हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन पूजा। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का ये जो वीडियो है वो उनके लिए है जिनकी ऑयली स्किन है। तो ये वीडियो उनके लिए है। ऑयली स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठंडियों में तो वो बेस्ट स्किन होती है, वरदान होती है ठंडियों के लिए, बट गर्मी में तो ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कोसने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑयली स्किन ही सबसे अच्छी स्किन होती है। ऑयली स्किन पर जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती हैं। ऑयली स्किन और स्किन के मुकाबले ज़्यादा टाइम तक के यंग रहती है, इसीलिए ऑयली स्किन बेस्ट होती है। बट ये प्रॉब्लम आती है कि जो ऑयली स्किन होती है उनके जो रोम छिंद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें ज़्यादा गंदगियाँ भर जाती हैं और कील मुहासे ज़्यादा होते हैं। खासकर टीन एज में तो बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी मुहासे होते हैं और धीरे धीरे ये स्किन जाके धीरे धीरे चेंज हो जाती है और नॉर्मल स्किन हो जाती है, ड्राई हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ती है। बट कभी कभी कई लोगों की नहीं चेंज होती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय होता है, घर में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी स्किन का ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटिव एक वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, ये एक होम रेमेडी है फिर से, तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या करना है। तो चलिए, किचन में चलना पड़ेगा इसके लिए हम लोग को। आइए, मैं आपको अपने किचन में ले जाती हूँ। ये होम रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए चाय पत्ती एक चम्मच, एक गिलास पानी और एक नींबू का जूस। ये नींबू का जूस लीजिए। आइए अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, उसमें एक पैन रखेंगे जिसमें एक गिलास पानी डाल के उसमें एक चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे। जब तक चाय पत्ती अच्छी तरह उबल ना जाए तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे हम रहने देंगे। ये देखिए, अब इसका कलर हल्का हल्का आने लगा है और इसका कलर जब पूरी तरह से आ जाए तभी इसमें हमें नींबू का जूस डालना है। अभी इसका और कलर आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब गैस फ्लेम जो है वो एकदम कम कर दीजिए, एकदम स्लो कर दीजिए और उसमें हम नींबू का जूस ऐड कर देंगे। अब मैंने इसमें नींबू का जूस ऐड कर लिया है और गैस बंद कर दिया है। इसके बाद इसे हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसको हमें आइस ट्रे में डालना है और फ्रिज में रख देना है 4-5 घंटों के लिए। जब इसकी आइस जम जाए तब इसे हमें निकालना है। तो आइए इसको फ्रिज में रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी आइस जम गई है। अब हम इसमें से 4 से 5 आइस ले लेंगे, एक बार के लिए इतनी बहुत है। बाकी की आइस हम फिर से फ्रीजर में स्टोर करके रख देंगे ताकि हम रात में उसको यूज कर सकें। तो चलिए इसको फ्रीजर में रख देते हैं और मैं बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। ये देखिए, मैं आइस क्यूब लेके आ गई हूँ और ज़्यादा नहीं, 2 से 3 आइस की ज़रूरत है हमको। और बस ये आइस लेना है ऐसे और हमको अपनी स्किन पर ऐसे ऐसे कर देना, पूरी स्किन पे हमको 2-3 आइस लेके। दोस्तों, ये आइस हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है, साथ में हमारे जो रोम छिंद्र में जो गंदगियाँ होती हैं जो उसको कम कर उसको निकालता है। और इसमें विटामिन सी पड़ी हुई है क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है और इसमें नींबू पड़ा है, तो जो विटामिन सी होती है वो हमारी स्किन के लिए वरदान होती है। वो हमारे स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल निकालती है, हमारे जो दाग धब्बे होते हैं स्किन पर वो ख़त्म करती है, साथ ही में हमारी स्किन को गोरा बनाती है और जितनी भी डेड स्किन होती है उसको वो अच्छे से रिपेयर करती है। और जो नई स्किन हमारे फेस पे आती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। और जो टी होती है वो भी यही हर्बल का ही है एक, वो भी यही काम करती है। हमारे जो रोम छिंद्र होते हैं उसमें जो वो ओपन हो जाते हैं उनको थोड़ा क्लोज करती है, उसमें से जो गंदगियाँ होती है वो निकालती है, अंदर से हमारी स्किन ग्लो करती है तभी बाहर से ग्लो करती हुई दिखाई देगी। और वाटर तो अच्छा होता ही है, गर्मी में ये बेस्ट होता है। आप इसको लगभग 7 दिन तक की यूज करिए, सुबह शाम यूज करिए, आपको फ़र्क खुद दिखेगा। दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। बस हमको 3-4 आइस क्यूब लेके अपने फेस को अच्छी तरह इसको मसाज करना है। अगर आपको ये अगर कंफर्ट नहीं फील हो रहा हाथ में लेके तो आप किसी भी कॉटन कपड़े में उसको ले लीजिए और फिर अपने चेहरे पे ऐसे अच्छे से उससे मसाज करिए और फिर आप फर्क देखिएगा। दोस्तों, ये गारंटी है कि आपके एक्स्ट्रा ऑयल को ख़त्म करेगी और आपकी स्किन इससे ग्लो करेगी। बस अब ये लग चुका है और ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही सूख जाता है, आपको इसको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आपको ज़्यादा गीला लगे तो फिर आप इसको पोंछ सकते हैं किसी कपड़े से।
दोस्तों आप इसको एक दिन में दो बार यूज कर सकते हैं और ये गर्मियों के लिए बेस्ट है। ये बॉयस गर्ल्स कोई भी यूज कर सकता है, जिनकी ऑयली स्किन नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्किन काफ़ी अच्छी ग्लो करती है। तो बस आप इसको यूज करिए और फिर फर्क देखिए। आप इसको मेकअप करने से पहले भी यूज कर सकती हैं ताकि ये आपकी ऑयल कंट्रोल कर ले और मेकअप के ऊपर ऑयल ना आए। दोस्तों मेरे कुछ क्यूब बच गए हैं तो मैं उसको यूज कर लेती हूँ, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।